अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2023 की इस महीने की दो बड़ी फिल्मों के बारे में, जिसमें कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा और शाहरुख खान की फिल्म पठान शामिल है। और आपको बताएंगे इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ने मारी बॉक्स ऑफिस पर आज बाजी और कौन बना आज का बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा किंग, और कौन सी फिल्म हुई ब्लॉकबस्टर और कौन सी हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन, साउथ, नेपाल और वर्ल्ड वाइड फिल्मों के ऑफिशियल कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शहजादा के बारे में। आपको बता दें शहजादा फिल्म का बजट लगभग 65 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। वहीं फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में लगभग 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया। इसी के साथ इस फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने 3 स्टार यू दिया, जिस वजह से माना जा रहा था कार्तिक आर्यन की फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी ओपनिंग करेगी। लेकिन आपको बता दें अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 7 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास रहेगा। लेकिन देखना काफी दिलचस्प रहेगा, अगर दोपहर के बाद फिल्म की ऑक्यूपेंसी बढ़ी तो फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन लगभग 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी छू सकता है। और अगर इस फिल्म से शाहरुख खान की फिल्म पठान का कंपेयर करें तो पठान फिल्म में आपको शाहरुख खान के साथ कई मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिले थे। वहीं फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, लेकिन फिल्म ने अपने पहले दिन से लेकर बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त पकड़ बनाए रखी। वो फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां 55 करोड़ रुपए की ओपनिंग की, वहीं फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 113 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए, जिस वजह से फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए लगभग 24 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान आज भी बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में काफी जबरदस्त पकड़ बनाए रखी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का आज का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास रहेगा। वहीं फिल्म आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिर से काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेगी, जिससे पठान फिल्म का अभी तक का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 490 करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिल्म अपने 24 दिनों में सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 508 करोड़ 40 लाख रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार कर देगी। वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 982 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करेगी, जिस वजह से फिल्म जल्द ही 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों आज के कलेक्शन के मामले में तो कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा का कलेक्शन रहेगा ज्यादा, जिस वजह से आज के बॉक्स ऑफिस के कार्तिक आर्यन बनेंगे सबसे बड़े सुपरस्टार और शहजादा बनेगी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। लेकिन आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म पठान को या कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा को? आप इन दोनों सुपरस्टार में से कौन से सुपरस्टार को कहोगे इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, शाहरुख खान को या कार्तिक आर्यन को? आपकी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताओ। डिसन आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको शाहरुख खान की फिल्म पठान और कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा के कलेक्शन की ऑफिशियल रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।